हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल, आपका अपना एनएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल से हमेशा जो है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आते हैं। अभी हम कुछ टाइम के लिए सीबीएसई के वीडियोस बनाने में बिजी थे, एनआईयूएस के लिए भी हमारे स्टडी वीडियोस बनते हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है अप्रैल एग्जाम 2022 वाले स्टूडेंट्स के बहुत सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले देखिए, 30 नवंबर को एडमिशन क्लोज हो चुके हैं अप्रैल एग्जाम 2022 स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए। आगे अब इसमें क्या है, आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। अब क्या है आपका कि जो है स्टेटस, आप अपना एडमिशन स्टेटस चेक कीजिए फटाफट। वीडियो जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा, वहां से आप क्या करोगे, स्टेटस एडमिशन चेक करके अपना क्या है उससे एनरोलमेंट नंबर आपका मिलेगा, और वहां से आप क्या है आईडी कार्ड अपना निकाल सकते हो। और आईडी कार्ड पे ही ब्लू पट्टी पर क्या होगा, आपका स्टडी सेंटर जो है आपका मेंशन होगा, और उस जगह पर जाके आपने क्या है बुक्स का पूछना है, और जो टीएमए की बुक है उसके बारे में पूछना है। और अगर जो है ये बुक्स के लिए वहां से ये भी कह सकते हैं आपसे कि आपको स्पीड पोस्ट से मिलेगा, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा। अब आपको बुक्स जो है, बुक्स के बारे में जो है जाकर बात करनी चाहिए। और जिन बच्चों के एडमिशन और आईडी कार्ड कोई एनआईयूएस से नहीं मिलेगा, आपको खुद निकालना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, और उसको लैमिनेट कराना पड़ेगा। तो आईडी कार्ड आजकल इस तरीके से आता है। आई होप आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, इन चीज़ों को बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए। टीएमए प्रिपेयर, देखिए अब आपको क्या है, सबसे मेजर जो चीज़ आ रही है, जनवरी 31, 2022 तक आपको टीएमए क्या करने हैं, सबमिट करने अपने इन्हीं स्टडी सेंटर पर। तो आपको फटाफट से स्टडी सेंटर अपना पता करना होगा। जैसे आपने 5 सब्जेक्ट भरे तो 5 टीएमए बनाने हैं, 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट बनाने हैं। देखिए हर एक में क्या होता है, 6-6 क्वेश्चन मिलते हैं, और जो आपकी बुक होती है उसमें से आपने उनके आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। हमारे चैनल से भी आपके जो है नेक्स्ट वीक से अपलोड होने शुरू हो जाएंगे जो वीडियोज हैं टीएमए के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उसमें से जस्ट उतार के क्या है सबमिट कर सकते हो। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको जो है टीएमए के वो चाहिए, तो हम उसको क्या है बनाकर आपका डाल देंगे। ये क्या होता है, A4 डिजाइनर शीट होती है, उस पर आपको क्या करना है बनाना है। एक साइड लाइन होनी चाहिए, एक साइड प्लेन होना चाहिए, और जो है आपको क्या है अच्छी तरीके से डेकोरेट करके क्या करना है आपने सारे सब्जेक्टों के टीएमए बनाने हैं। और लगभग 6 या 7 पेज का एक टीएमए होता है, एक साइड लाइन होनी चाहिए, एक साइड रूल्ड होना चाहिए, और उसको स्टेपल करके आप एक फोल्डर में सारे सब्जेक्टों के टीएमए को डालकर अपने स्टडी सेंटर पर सबमिट कराइए। ऑनलाइन भी सबमिट करा सकते हो, अब की बार नोटिस आया है तो आपको जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसको देख सकते हो, लेकिन पहले स्टडी सेंटर का पता कीजिए आप। और क्या है आपका एग्जाम फीस, इसके बाद वैसे तो ये इससे पहले होता है टीएमए से, ध्यान रखना दिसंबर के मंथ में एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल भी ओपन हो सकता है। लास्ट ईयर का जो है वो दिसंबर 20 तक क्लोज हो जाता था, लेकिन अब की बार एडमिशन लेट तक चले हैं, तो इस वजह से एग्जामिनेशन फीस भी अभी पेमेंट नहीं हुई है। मैं इसका भी बता देता हूँ आपकी कि कितनी पेमेंट होने के चांस हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ₹370 और थ्योरी सब्जेक्ट में आपका ₹250। तो अगर 3-3 आपके पास सब्जेक्ट है तो ₹1110 और 750 यानी कि ₹1860, 1800 से लेके ₹2000 के बीच में आपको जो है पेमेंट करना पड़ सकता है 6 सब्जेक्ट का, यानी कि एवरेज एक सब्जेक्ट के ₹300। तो अगर आपके पास जो है 5 सब्जेक्ट है तो ₹1500-1600 आप इकट्ठे कर लीजिए, क्योंकि फिर अचानक से बच्चों को पता चलता है, और इस टाइम पर कोरोना के टाइम पर वो फिर क्या है पेमेंट नहीं कर पाते क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत चल रही है। फिर आपका नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम सर ये कब होंगे हमारे, तो देखिए आपका प्रैक्टिकल एग्जाम जो है 15 मार्च से लगभग स्टार्ट होने के चांस हैं, लेकिन अभी तक कोई भी स्थिति ऐसे नहीं लग रही क्योंकि एडमिशन भी लेट तक हो रहे हैं, तो ये चीज़ भी एक महीने खिसक सकती है, लेकिन आप अपने माइंड में 15 मार्च बिठाकर रख लीजिए। और थ्योरी एग्जाम आपके क्या है 2 अप्रैल से जो है स्टार्ट होने के चांस हैं, ये डेट भी अब की बार एक महीने एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन फिर आपको बता रहे हैं आप इस तरीके से जो है इसको जो है इस तारीख को याद रखिए। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हमारे चैनल से आपको 100% हेल्प मिलेगी। अब रिजल्ट एंड मार्कशीट, रिजल्ट क्या है मई में आता है और मार्कशीट जून में आती है, तो ये भी आपका अगर एग्ज़ाम लेट होंगे तो ये एक एक महीने खिसक सकती है, लेकिन अभी तक आपकी यही अपडेट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।
अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले और वो सारे अपनी स्टडी की तरफ फोकस्ड रहे। तो आप जो है चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स गाइज।